खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। मैं हूं सिद्रम महक और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आप पार्टी के जिला प्रधान परबिंदन सिंह सेठी की अध्यक्षता में अमृतसर ऑफिस में एक मीटिंग आयोजित की गई। इस मौके पर आप पार्टी एससी सेल के प्रधान लालचंद कटार, उचक बलजीत सिंह खेरा, मनविंदर सिंह ग्यासपुरा विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इस दौरान लालचंद ने बताया कि पंजाब में सफाई मजदूर यूनियन को पक्का करने के लिए जो सरकार ने वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए गए। उन्होंने बताया कि जेकर पंजाब सरकार की ओर से इन मुलाजिमों को पक्का न किया गया तो आप पार्टी पूरे पंजाब में रोष प्रदर्शन करेगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने सफाई कर्मचारियों से वादा किया था कि इनको जल्द ही पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं किया गया। लालचंद ने बताया जेकर कैबिनेट मंत्री ने सफाई कर्मचारियों की मांग पूरी न की गई तो उनके घर का घेराव किया जाएगा। अमृतसर से लक्की मेहरा की रिपोर्ट। साढ़े जिते आए मेरे नाल बहुत ही मेरे इंस्पैक्टर साथी जो पीसी से बैठे है, असी एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा जोड़ा अब शेयर करना चाहते हैं वो है पंजाब के अंदर सफाई कर्मचारियों का लगातार जी दो महीने तो स्ट्राइक ने सफाई कर्मचारी जोड़े बहुत ही अजीब हालतों के काम करते हैं जिन्ह के प्रति लगातार पंजाब की सरकार वैसे तो समुचे पंजाब के कर्मचारियों के नाल जो आउटसोर्सिंग वाले है जां कच्चे कर्मचारी है उन्होंने नाल 2017 च पंजाब की असेंबली चोणां च कांग्रसी गौरमेंट ने पक्के करने का वादा किया। सो 4.5 साल के समय तो बाद अजे तक एक भी कर्मचारी जोड़ा है वो अपना सरकार ने पक्का नहीं किया, पर 18/6/2021 जिहड़ा कैबिनेट ने पास किया पंजाब दे सफाई कर्मचारियों के लंबे संघर्ष तो बाद उन्होंने सिरड़ी संघर्ष तो बाद जिहड़ा कैप्टन की सरकार ने पास किया अज काफ़ी दिन बीतने तो बाद भी एक भी पलम जिहड़ा कदम उस पासे जिहड़ा पंजाब की सरकार ने नहीं पुटिया जिस पक्के करन दी प्रक्रिया नूं जिहड़ी शुरू करन दा जिहड़ा पंजाब की सरकार ने कदम नहीं पुटिया। असी आम आदमी पार्टी दे एसी विंग वालों लगातार जिहड़े सफाई कर्मचारियों के अंदोलन शामिल रहे हैं और लगातार उन्होंने डिमांड का मांग का समर्थन करते रहे हैं। साड़ी ये चिंता है कि पंजाब की सरकार कैप्टन की सरकार जिवें बाकी लोगों ना झूठे वादे करके समा कट रही है 4.5 साल के समय तो बाद घर घर नौकरी का एक भी वादा पंजाब की सरकार ने पूरा नहीं किया। देखो पहली गल तो यह है कि जिहड़े स्टेज पर बैठे सन साडे लीडर सीगे पार्टी के नैशनल कन्वीनर आए सन जिन्हां दे नाल जिहड़ा साडा स्टेट का अपना साडे मुख दो तीन लीडर तुसीं आप ही उन्होंने अटेंड किया भगवंत मान जी बैठे सन, चीमा साहब सन और टोटल साडे जिहड़े आ उह विधायक पंजाब दे उह नाल बैठे सन। सो इस करके मद्देनजर हर चीज के मद्देनजर और समुची जी है। देखो आम आदमी पार्टी कोई लीडर की पार्टी नहीं, आम लोगों की पार्टी है। जो स्टेज के भी बैठे से वह भी आम लोग अमृतसर वालों के भरा से, जिम्मे कह दिए कुछ समुद्र बंद कर लिया तो जे कुंवर विजय प्रताप सिंह स्टेज पर बैठा यदा मतलब पूरा अमृतसर स्टेज पर बैठा, इसलिए कोई दौर है नहीं है। हुण आपां कह दिए कि हुण भी दो तीन भरा जितनी कुर्सियां ने बंदे उन्नी ही बहने आ, कोई वो चो नहीं है गल। दस दिए साडी पार्टी दे विच उप एल ओ पी एक महिला वा, वो तुहाडी जानकारी दे विच वाधा कर दिए, वह उप जिहड़ी साडी एल ओ पी आ जिहड़ा सब तो वड्डा अहुदा हुंदा वो एक महिला नूं दित्ता होया, ये जाके एक बार मेरा ख्याल तुहानूं पढ़ के आउण दी लोड़ है। नहीं सानू नहीं पता वो कांग्रेस की है अकालियों की है, आई डोंट नो, नहीं वो किसी के कहने का नहीं ना हो जाता कौन की है, हो सकता कह नहीं सकते असं। पर अज साडा जिहड़ा हैगा बहुत सेंसिटिव इशू है, सफाई सेवकों की जिंदगी मौत का सवाल है। पंजाब के जिन्ने सफाई कर्मचारी ने उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी का घराव किया,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਸੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਸਪੁਰਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਾਲਚੰਦ ਪਾਲਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਆਜ ਚੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।